गर्मियों में वाटरमेलन खाना सभी को पसंद है, इसलिए आज हम आपके लिए एक शानदार रेसिपी लेके आए हैं। तो स्टार्ट करें मोनाली साहब, बताइए। हाँ, तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन सैलेड। अभी बहुत वाटरमेलन आ रहे हैं मार्केट में, बच्चे बड़े बोर हो जाते हैं सब वाटरमेलन खा के, तो क्यों ना हम उनके लिए एक बहुत अच्छी से सैलेड, कम होल प्रोटीन विटामिन सारे मिक्स करके एक अच्छे से फुल डिश बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने वाटरमेलन हाफ कट करके इसमें से आइसक्रीम स्कूपर हो जो होता है उससे हमने स्कूप करके रख लिया है। ओके, इसके अंदर मैं थोड़े से बॉइल्ड, हमारे पास ये बॉइल्ड कॉर्न एंड पीस है, वो थोड़े डाल देंगे। ओके, थोड़े पाइनएप्पल, बिकॉज थोड़ा सा हमें टैंगे फ्लेवर भी चाहिए। और ये हमारे पास बॉइल्ड चिकपीज है जो मैंने रात को सोक कर दिया था, और मॉर्निंग में इसे 4 to 5 विजल्स दिलाया। और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा जिंजर और ग्रीन चिली बॉइल करते वक्त ही डाल दिया था, तो इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाती है सॉल्ट के साथ। और थोड़े से हम रेड और ग्रीन, रेड और येलो बेल पेपर डालेंगे, चेरी टमाटो। और ये इनमें से अगर कोई आइटम आपके पास नहीं हो तो ऑप्शनल है, राइट? ऑप्शनल है, जो आपके पास ऐड भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अनियन कम पसंद आती है सैलेड में, तो मैं नहीं डाली हूँ। आप अनियन चाहो तो, अगर इमीडिएट खा रहे हैं तो आप अनियन डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी इंग्लिश क्यूक्यूम्बर है, और ये टोफू है, क्योंकि मैं ये वीगन वाटरमेलन बास्केट बना रही हूँ तो मैंने टोफू यूज किया है। आप चाहे तो पनीर यूज कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं मोनालिसा अग्रवाल जी के संग, जिनको कुकिंग का बहुत शौक है, और आप पीछे देख सकते हैं उनको, वो आर्टिस्ट भी हैं। वो मटका जो है रखा हुआ, उन्होंने खुद कलर करा है, और वो आज हमें दिखाने जा रही हैं ब्यूटीफुल वाटरमेलन सैलेड आप सबके गर्मियों में ठंडा ठंडा खाने के लिए। और ये है थोड़ी सी पोमेग्रेनेट भी हम इसमें, और इसमें खूब सारी मिंट डालेंगे, मिंट बहुत आ रही है मार्केट में। अनमिंट इज वेरी गुड इन समर्स ऑल्सो, तो वो खाना चाहिए हमें। तो ये हम हाथ से तोड़ेंगे, कभी भी मिंट को नाइफ ना लगाएं, हाथ से करो तो उसकी जो फ्लेवर होती है, अरोमा होती है, बहुत अच्छे से उसके अंदर में बैठ जाती है। देखिए, ये टिप्स जो होती है ना मॉम से ही मिलती है, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है जायका का तड़का में ऐसी टिप्स पता चलती है। तो हाथ से तोड़ना जरूरी है ताकि उसका फ्लेवर आए मिंट को। अब हमारे पास ये मैंने मिंट को सुखा के इसका पाउडर बनाया है, पुदीना पाउडर। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इसके इतने अच्छे फ्लेवर है फ्रूट्स के, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो आप सॉल्ट डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स करेंगे, ओके, गार्निशिंग के लिए, और इसको हम मिक्स कर देंगे। और ये हम बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। आपके गेस्ट आने वाले हैं, आप एक घंटे पहले भी इसको बना के अगर ऐसे फ्रिज में रख देते हो तो ये ड्राई नहीं होगी। हाँ, इट्स सच अ कलरफुल सैलेड, देखिए कितने अच्छा लगेगा, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगा। हेल्दी तो है ही, साथ में वीगन भी है, बहुत सारे लोग हमसे वीगन रेसिपीज भी मांग रहे थे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और खा सकते हैं अच्छे से। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोज लेके आते हैं। गारंटी ये रेसिपी आपकी किचन में भी ऐसी ही बनेगी। तो देखिए कितनी शानदार लग रही है ये सैलेड रेसिपी, पास से देखिए। प्लेटिंग भी वाटरमेलन शेल में ही करेंगे, तो अगर हम कहीं बफे में या हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं रख रहे हैं तो ये देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है। और खाने का भी सबका मन करेगा, कुछ इनोवेटिव सा भी हो जाएगा। तो देखिए बन चुकी है हमारी ये शानदार वाटरमेलन सैलेड यहाँ पे, और मिंट के संग इसको डेकोरेट कर दिया है विद अ वंडरफुल मॉम हेयर मोनालिसा के संग हम आए हैं। शानदार रेसिपी उन्होंने अपने ब्यूटीफुल टेरेस गार्डन में आपके लिए बनाया है। अब इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड मे बी जस्ट हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच मोनालिसा जी फॉर द वंडरफुल रेसिपी। आई होप आपको ये अच्छी लगी। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।